आज मैंने इस मंडलाक्षेत्र में हमारे चंद्रमोहन सिंह जी और उनके मित्र परिवार उन सभी के कथन पर यहाँ मैंने गंगा यक्षिणी साधना देने की इच्छा व्यक्त की थी। यह क्यों? जो यहाँ गंगा यक्षिणी ही साधना में देना चाहता हूँ। संसार में कहा गया है कि यक्ष एक ऐसी जाति है जो सर्वशक्तिमान है और यक्ष के राजा कुबेर कहलाए जाते हैं। कुबेर, आप अगर सच्चाई देखी जाए तो शिवजी के पुत्र को देखे होंगे आप, शिवजी के भक्तों को देखा आपने, सभी को देखा, लेकिन कुबेर ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसको शिवजी ने कहा ये मेरा मित्र है। कुबेर को शिवजी ने मित्र कहा और मित्र के रूप में उसको धनाकार का श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाया और वह यक्षों का राजा कहलाया जाता है। और यह मैं आप जो कहता हूं, इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों पर वृक्षाक्षित वृक्ष के आश्रित यक्षिणी रहती है। जितने भी वृक्ष हैं, निर्गुण यक्षिणी, औदुम्बर यक्षिणी, चिंचन यक्षिणी, आम्र यक्षिणी, वट यक्षिणी, ऐसे नाम से, और यहाँ इतना जंगल फैला हुआ है, जिस वृक्ष को कभी कुल्हाड़ी ना लगी हो, जिस वृक्ष को कोई लोहा ना लगा हो और उसको काटा ना हो, उसके ऊपर निश्चित रूप से यक्षिणी का वास होता है। आज हमने देखा है गौतम बुद्ध जी हो, पीपल के वृक्ष नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। माता सीता अपने शोक को मिटाने के लिए रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए अशोक वृक्ष के नीचे वनवास जंगल में बैठी हुई थी और पंचवटी में भी वो वृक्ष के नीचे रहा करते थे। आज हम कहीं बाहर निकलने से पहले विचारते हैं कि घर में जेब में कितने पैसे हैं और कैसा आगे चलकर गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, खाना खाने मिलेगा। क्या रामचंद्र जी और सीता जी वनवास को निकलते समय पैसे लेकर निकले थे? किस तरह उनका 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा हो? केवल गुरु पर विश्वास करके साधना के बल पर जो मिला जंगल में खाते हुए वो तपस्या की, चाहे पांडवों का वनवास हो या चाहे राम सीता जी का वनवास। मैं बहुत बार हमारे लोगों को भी जब साधक बैठे हैं तो मैं बहुत बार कह चुका हूं, आप मेरे साथ जंगल में भी आओ और आपको मिष्ठा नहीं खिलाया तो कहना अनिल कुमार जोशी नहीं मिला इस साधना। घर अर्थात में तो परिवार में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप ऐसी जगह जहाँ जंगल का वातावरण हो, जंगल हो और आप मेरे साथ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहना आप गलत है। क्यों? किस बल पर कहता हूँ ये बात? केवल साधना के बल पर कहता हूँ ये बात ऐसा होगा। मैंने ऐसे घने जंगलों में, लोकल स्टेशन के जंगलों में जहाँ शेर आदि घूमते हैं, ऐसी जगह में शिवरात्रि की और ऐसी जगह में लोगों को बूंदी के लड्डू का खाने के साथ मैंने भोजन दिया, या जो मेरे साथ आए उनको पूछ लेना कैसा हुआ या नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे ऐसा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कोई गुरु हूँ, मैं गुरु भाई हूँ और आपको चाहता हूँ कि आप भी सामर्थ्यवान बनो। अगर मंडला का क्षेत्र है तो चंद्रमोहन सिंह जी भी ऐसा एक आश्रम बनाए जहाँ गरीबों के लिए साधना का क्षेत्र हो, वो बने और लोगों को करें। मैं नहीं चाहता कि वो गुरु बने, मैं चाहता हूँ कि वो गुरु भाई बने और कहे कि उन लोगों के लिए साधना का मार्ग प्रशस्त करे। और जिस जब तक इस देश में साधनाएं थी, जब तक गुरुकुल की विद्याएं थी, जब तक गुरुकुल के शिष्य थे, तब तक भारत को कोई जीत नहीं सका। चाहे चाणक्य चांद्रगुप्त हो, चाहे स्वामी समर्थ राम दास छत्रपति शिवाजी जी हो, चाहे विजयनगर के साम्राज्य के विद्यारण्य स्वामी और श्री कृष्ण देवराय हो, ऐसे लोगों ने जिन्होंने स्वर्ण वर्षा करवाई, ये कहां से चलता था? विद्यारण्य स्वामी ने स्वर्ण वर्षा करवाई थी, उनको तारा सिद्धि थी, भूरी चूरी सिद्धि थी, आज वो सिद्धियां कहां गई? आज कोई हम जान सकते हैं कि कामधेनु जो सब कुछ धन धान्य और अप्सराओं को भी दे सकते हुए हजारों लोगों को खाना खिलाने की शक्ति रखता था, क्या वो कामधेनु की विद्या जानता है? क्यों नहीं जानता? मैं बात कहने के लिए गया कि यहाँ ये वृक्षों के रहने के कारण मुझे इच्छा हुई कि यहाँ इतना घना जंगल है, यहाँ हम अगर यक्षिणी साधना करवाएं तो यक्षिणी साधना एक ऐसी श्रेष्ठ साधना है जिस, आप कभी भी याद रखो, जिस वृक्ष को कुल्हाड़ी ना लगी हो, जिस वृक्ष को किसी अस्त्र शस्त्र से काटा ना हो, उस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप कोई भी यक्षिणी साधना संपन्न करते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपको वो साधना सिद्ध होती ही नहीं। हर एक हमारे घर में, हम तुलसी यक्षिणी भी है, निर्गुण यक्षिणी भी है, ये क्या यक्षिणी है? हमारे घर में तुलसी को क्यों लगाया जाता है? आम्र यक्षिणी को क्यों लगाया जाता है? आप
इस वृक्षों का ज्ञान देने के लिए यक्षराज कुबेर जी ने कहा था एक बार कि मैं तो कुबेर हूँ, धनागर मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, देवताएं आज आप जो बालाजी जानते हैं तिरुपति के बालाजी के पास रोज दो करोड़ रुपया आता है, लेकिन जब उनकी शादी थी वे लक्ष्मी जी से रूठ कर आ गए थे पृथ्वी पर, तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। तब उन्होंने नारद जी से कहा था कि अरे भाई मेरी शादी है, शादी को पैसा नहीं है। तो नारद जी ने उनको एक सजेशन दिया, वो कहा कि ऐसा करो कुबेर जी के पास जाकर लोन ले जाओ, आजकल तो हम लोन लेने में माहिर हैं, थोड़ा काम भी होगा तो लोन लेने जाते हैं। तो बालाजी भी लोन लेने गए नारद जी को बोलकर कुबेर जी के पास। तो कुबेर जी ने कहा भाई मैं लोन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इतना होता है, हर महीना इंटरेस्ट, हर रोज का इंटरेस्ट देना है, आप तो महीने को देते हैं, उन्होंने तो रोज का इंटरेस्ट देना है बालाजी भगवान। बालाजी बोले शादी ही करनी है तो भाई इंटरेस्ट तो देना ही। और उन्होंने कुबेर जी से धन लोन पे लिया। तो कहा कुबेर जी ने कहा भाई असर कब चुकाओगे? अरे यार क्या बताऊं, लक्ष्मी माता रूठ गई है, जब वो वैकुंठ में आएगी तब असर देऊंगा, अब तो इंटरेस्ट पे ले चला। अगर आप जानते हैं आप कभी तिरुपति बालाजी गए हुए हैं तो यहाँ वो एक कॉर्नर पे दक्षिण के अग्निकोण में कुबेर स्थान है, तो भगवान बालाजी का पूरा रथ निकलता है, लेकिन जब वो कुबेर का स्थान आता है वहां भाजा भूजा बंद कर दो। क्यों? अगर उसको याद रहा तो फिर पैसे पूछ कर नहीं, वो भी वहां भी देवता भी वही करते हैं, वहां आते बाजा बंद हो जाता है, बालाजी कहते हैं अगर उसको मैं बाजा रथ पे जा रहा हूँ तो सब खींच लेगा, तो मेरे पास इतना पैसा है, दो बोलेगा बाजा बंद कर दो, और वहां बाजा बंद करके आगे चलते। ये मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ, हम ही डरते नहीं, देवताओं में भी ये बात है, ये वास्तविकता है। तो ये हम इस तरह का जीवन जीने से पहले कि हम किस तरह धनवान, हम किस तरह पैसे वाले, आज देखा जाए तो भारत सागर संसार में भी अगर कहें तो हम कहते हैं कि बालाजी जैसा संपन्न आदमी रोज के करोड़ों रुपए आते हैं, उनको करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन वो कुबेर के सामने रूढ़ी रहने के कारण बाजा नहीं पूछता। हमारा भी वही हाल, हम ऐसा नहीं, हम धन संपन्नवान हो, हम इसके लिए क्या करें? मैं आपको ये बात कहने के लिए कि यह मंडला क्षेत्र ऐसे वृक्षों से हरा भरा है जहाँ महालक्ष्मी महाशिवी महाकाली का निर्गुंडी तुलसी यक्षिणी वटर यक्षिणी ऐसी यक्षिणियों का स्थान इस जंगल में है। यहाँ अगर हम अच्छी तरह हमारे इतिहास को पढ़े तो मंडल मिश्र जी जो शारदा देवी को पत्नी के शक्ति के रूप में आराधना करते हुए एक श्रेष्ठ मत का आरंभ कर दिया था, उसका नाम था जैन मत, जैन मत के अधिकारी थे, और शंकराचार्य जी ने उनको हराने के लिए शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए और उन्होंने शारदा माता के साथ उस शास्त्रार्थ किया, ऐसा कहा जाता। तो ऐसे शास्त्रार्थ करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ विद्वत्ता का जागृत करने वाले जैन मत में सारे देवताएं, चाहे घंटाकर्ण हो चाहे माता पद्मा, जैसे हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी है वैसे जैन धर्म में लक्ष्मी प्रदान करने वाली माता पद्मावती को कहा जाता है, वैसे ही उनमें घंटाकर्ण नाम के अक्षर है, जैसे हमारे पास हनुमान जी है वो भी इच्छा पूर्ण करने वाले, जैन मत में बहुत सारे देवता ये सब यक्ष कहलाए जाते हैं। जैसे हमने पहले युग में वेदों पर आधारित थे, रामचंद्र जी के युग में हमने ऋषियों का, ऋग्वेदों का, वेदों का पालन किया, और कृष्ण के युग में गंधर्वों का जो गान पर आधारित थे, कृष्ण के हम द्वारका में देखते हैं सब नाचते थे, गाते थे, मुरली बजाते थे, ये गंधर्वों का था। आज की इस कलयुग में हम स्मरण मात्र से इन चारों को भी, जैसे अप्सराएं हैं, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, इनकी सभी की हम साधनाएं संपन्न कर हम भी संपन्नवान हो सकते हैं। लेकिन इसका मार्ग बदलाने वाले को इसको किस तरह करना चाहिए? तो आज एक बार की बात है, रावण जो वैश्रवण का पुत्र था और उनके भाई का पुत्र कहलाता था कुबेर, कुबेर ने ही पहली बार भगवान शिव जी से अक्षय पात्र प्राप्त कर स्वर्ण नगरी लंका बनाई थी। स्वर्ण की नगरी, लंका के अधिपति, लंका को स्वर्ण की नगरी बनाने वाले कुबेर थे, जिसको जिन्होंने शिवजी के पुत्र रहने के कारण शिवजी से अक्षय पात्र खरीदा था और उसको नित्य सोना प्रदान करता था, और उन्होंने लंका की स्थापना की। लेकिन जब रावण तपस्या करके बाहर आया तो वह अपने राज्य के लिए ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ मेरा राज्य बनाऊं, कोई अच्छी नगरी बसाओ, अच्छा नगर बसाने के लिए देख रहा था। तो उनके भाई, एक दूसरे भाई रखते थे कालनेमी थे, उन्होंने कहा कि अरे इधर उधर कह को ढूंढते हो यार, तुम्हारे भाई की स्वर्ण लंका है बस उसको ले लो, उसके पास ले लो, अरे भाई की लंका है कैसा लेना, आपको क्या करने का है, जो राजा है, जो जिसमें शक्ति है वो प्राप्त किया, लूटा ले लिया, उसमें क्या है, आप जाओ और पूछो,